गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पोयम पढ़ी थी आई कैन बी वेल। ठीक है, ये पोयम हमने पढ़ी थी और इसके हम लोगों ने हार्ड वर्ड्स भी लिखे थे। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, तो आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 4040। कौन सा पेज नंबर? 4040। और एक पेंसिल ले लेंगे बेटा। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर दी सेंटेंसेस। पहला देखो, आई पेल अ ऑनेस्ट एंड काइंड, किसका वो फ्रेंड होने के लिए बोल रहा था? ऑनेस्ट और काइंड का ना, तो ये ट्रू है। तो देखो मैंने यहाँ पर टी लिखा है, तो ट्रू के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है? टी लिखना है। आई पेल डज नॉट हेल्प अ फ्रेंड इन ट्रबल, मैं उसका दोस्त बनूंगा जो दोस्तों की मदद नहीं करता है? नहीं, ये तो फॉल्स है ना, तो ये एफ लिखेंगे इसके लिए। आई पेल वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड एवरी डे, यस हर दिन मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। ट्रू, इट इज ट्रू, टी लिखा मैंने। अब देखो, आई कैन बी योर फ्रेंड बाई डैश एट यू स्माइलिंग और शाउटिंग, चिल्लाने से नहीं, स्माइल करने से। तो यहाँ टिक लगा लेंगे और यहाँ लिखेंगे भी बेटा, मैं पहले वाले में लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ गए। आपको आगे टिक भी लगाना है और जो फिल जो करना है ये ब्लैंक्स में फिल भी करना है। आई कैन बी योर फ्रेंड वैन यू फील हैप्पी और सैड, सैड में है ना, मैं तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ रहूँगा, यहाँ सैड लिख देंगे। ठीक है, वी कैन बी फ्रेंड्स बाई सेइंग प्लीज एंड ऑल राइट या थैंक यू, थैंक यू यहाँ थैंक यू लिखेंगे। ठीक, अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करने के लिए थैंक यू, प्लीज या सॉरी लिखना है। तो डैश फॉर द गिफ्ट, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। फिर डैश आई पुश्ड यू बाई मिस्टेक, सॉरी सॉरी गलती से मैंने तुम्हें पुश कर दिया ना, तो सॉरी। मे आई टेक योर पेंसिल प्लीज, ठीक हो गया यहाँ पर। अब अपने दोस्तों को बोलते हैं ना, प्लीज दे दो मेरे को पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ। फाइंड राइमिंग वर्ड फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, पोयम से यहाँ से राइमिंग वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। तो ब्लू यू, देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये इस वर्ड के एंड, इस लाइन के एंड में यू आ रहा है, उस लाइन के एंड में ब्लू आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं। उसे देखो, काइंड बाइंड यू टू डे से, लास्ट में जो आ रहे हैं वर्ड एक जैसे, वो राइमिंग वर्ड्स हैं, है ना बेटा। देखो, ब्लू यू हो गया, काइंड बाइंड, ब्लू वाई ओ यू के आई एन डी काइंड के साथ बी आई एन डी बाइंड हो गया, डे से एस ए वाई से, यू टू हुआ। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, अगर मान लो मैंने जल्दी से क्लियर कर दिया है तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और इसको लिख लेना है। ठीक, चलो अब देखो राइटिंग वाला जो है सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स ऑफ योर चॉइस। माई बेस्ट फ्रेंड लीव्स नियर माई हाउस, एल आई वी ई एस लीव्स नियर माई हाउस। I like her because she shares. S A S H A R E S shares her toys with me. My best friend, मेरी best friend lives near my house, मेरे घर के पास रहती है। I like her because she shares her toys with me, मैं उसको पसंद करती हूँ क्योंकि वो अपने खिलौने मेरे साथ शेयर करती हैं। I go to her house to play with her. मैं उसके घर जाती हूँ उसके साथ खेलने के लिए, प्ले पी एल ए वाई प्ले विथ डब्ल्यू आई टी एच विथ हर एच ई आर। हर मदर गिव मी यमी स्नैक्स टू एट, उसकी मदर उसकी मम्मी मुझे स्वादिष्ट
नाश्ते खाने के लिए देती है। यमी YUMMY यमी स्नैक्स SNACKS स्नैक्स टू ईट। ठीक है, तो ये आपका बेटा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का काम करेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।